हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिस्टी क्रिएटिव आइडिया चैनल। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा वही बकेट है जिसमें हमने भिंडी लगाई थी। फ्रेंड्स पता नहीं किस वजह से मेरी सारी भिंडी के पौधे गायब हो गए हैं। पता नहीं चूहा खराब कर रहा है या गिलहरी खराब कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं इसमें आज फिर से भिंडी लगाना सोच रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम मिट्टी को थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे। ये मेरा कंपोस्ट बिन है फ्रेंड्स, 6 महीने वाला, मैंने आपके सामने ही फिल किया था इसमें सारा कंपोस्ट। हम इसमें मिट्टी ऊपर नीचे थोड़ी सी हिला लेंगे और उसके बाद अपने बीज इसमें डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी भिंडी के बीज हैं, तो मैं यही बीज इसमें डालती हूँ। बट मैं इसमें इस बार आधा ही फिल करूँगी, पूरा नहीं करूँगी, बिकॉज़ मैं सोच रही हूँ इसमें कुछ और लगाना। देखते हैं क्या लगाएंगे, अभी कुछ तय नहीं किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लाइन बनाते हुए इसमें हम भिंडी के बीज लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे भिंडी के बीज लगा दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद ऊपर से हम इस पर मिट्टी कर देंगे, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि ये हमारे बीज जो हैं, सीड जो हैं, मिट्टी के संपर्क में आ जाए और उनको ग्रो होने में थोड़ी सी हेल्प मिले। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने सीड सारे लगा दिए हैं और मैंने इसमें कुछ बैंगन की सीड भी डाल दिए हैं फ्रेंड्स। देखते हैं क्या होता है, कुछ उगते हैं नहीं उगते। उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो मैं इस बार पानी हल्का ही डाल रही हूँ, बिकॉज इसमें नमी है बहुत। कंपोस्ट में फ्रेंड हमेशा नमी होती है, वो बहुत गीला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे करेले की बकेट है फ्रेंड्स, ये सारे सूख गए हैं मेरे दोनों करेले, जो मैंने आपको हरे भरे दिखाए थे। पिछले वीडियो चेक कीजिएगा फ्रेंड्स मेरा। ये देखे फ्रेंड्स, सारे खराब हो गए मेरे करेले। मैं सोच रही हूँ करेला भी लगाऊं। ये देखे फ्रेंड्स, मैं आज कुछ अलग करने जा रही हूँ। मैं इसके ऊपर अपने प्याज के छिलके डाल रही हूँ। पता नहीं मैंने कहाँ देखा था कि प्याज की स्मेल चूहे वगैरह को अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैं एक पतली सी लेयर इसके ऊपर प्याज के छिलके हैं फ्रेंड्स, ये देखिए छिलके हैं, प्याज नहीं है, इसकी लेयर बना रही हूँ। देखते हैं हमारे पौधे ग्रो हो पाते हैं या नहीं, बच पाते हैं या नहीं। पता नहीं गिलहरी चूहा कौन खा जाता है इन्हें या कबूतर खराब करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।